हाय व्यूज, इस वीडियो में हम गीज़र के बारे में बात करने वाले हैं। टोटल इलेक्ट्रिक गीज़र के बारे में बात करेंगे। तो ये जितने भी हम आपको गीज़र दिख रहे हैं, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक गीज़र है। और इन गीज़रों में से एक हम आपको फिट करा के भी चेक कराएंगे, और उसकी प्राइस भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये 60 लीटर वाला गीज़र फिट करके हम आपको चेक कराएंगे। ये 60 लीटर के अंदर है, और फिट करा के चेक करा के आपको इसके रेट भी हम आपको बताएंगे कि इसकी क्या प्राइस है। देखते रहें हमारी ये वीडियो। इसी वीडियो में हम आपको सब चीज़ें फिट भी कराएंगे, प्राइस भी बताएंगे और चेक भी कराएंगे, और कितने वाट्स पे चलता है टोटल चीज़ें, तो उसके वाट्स पे चेक कराएंगे। तो ये 60 लीटर का गीज़र है, जो सबसे बड़ा गीज़र है ये 60 लीटर है, और ये चलता है 2000 वाट्स पे। और ये 40 लीटर है, ये भी 2000 वाट्स पे चलता है। जितना भी गीज़र है, जितना सिंगल एलिमेंट्स 2000 वाट्स ही लेता है, डबल अगर हो गया तो 4000 वाट्स पे चला जाएगा। ये 30 लीटर है, ये भी 2000 वाट्स पे ही चलता है। ये मैं आपको इसका डायग्राम भी चेक कराऊंगा, ये कंपनी वाले तौर से लिखते हैं ये कितने वाट्स पे चलता है। तो ये है 10 लीटर का गीज़र है, तो इसकी प्राइस है 26000 रुपये की। और ये इसका रेगुलेटर है, ये इसका टेम्परेचर सिस्टम है, इसको जहाँ पे आप सेट करेंगे ये वहीं पे चला जाएगा। मैक्सिमम जो है 40 सेंटी डिग्री हेट पे इसका टेम्परेचर सेट होता है, और 50, 60 और 70 पे चला जाता है। तो इसके बाद ये है 15 लीटर, और 15 लीटर की अगर प्राइस की बात करें तो ये आपको पड़ेगा 28000 रुपये का। तो फिर जितने भी गीज़र की हम प्राइस की बात कर रहे हैं, तो आज के डेट की प्राइस है। आप 2 या 3 महीने के बाद वीडियो देख रहे हैं तो है क्या अलग बात है। तो ये मैं आपको आज के डेट की ही प्राइस बता रहा हूँ। और उसके बाद है 30 लीटर। 30 लीटर के हम आपको अगर प्राइस की बात करें 30 लीटर की, तो ये आपको 35000 रुपये का पड़ेगा। जितने भी गीज़र है सब मैं आपको इंपोर्टेड गीज़र दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम टंकी वाले जो लोकल गीज़र है वो भी दिखाएंगे। ये कंपनी का मॉडल नंबर है 15LCM और 30LCM और 10LCM, ये इसका मॉडल नंबर होता है। और इसके वाट्स जो है ये देखें, जितने भी गीज़र है सब 2000 वाट्स पर चलते हैं। ये कंपनी ने वादे तौर पर लिखा हुआ है ये इतने वाट्स पर चलता है, और 0.75 एम्पीयर पर ये चलता है। एम्पीयर की अगर बात करें तो 0.75 एम्पीयर पर चलता है। तो काफ़ी सारे लोग कमेंट में ये लिखते हैं कि आपने एम्पीयर नहीं बताया, वाट्स नहीं बताया। टोटल चीज़ें अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो सब चीज़ें आपको इसी में दिखाई गई हैं। तो कंप्लीट आप वीडियो नहीं देखते हैं, इस वजह से आपको ये लगता है कि ये चीज़ नहीं बताई, लेकिन हम सब कुछ इसी वीडियो में बताते हैं। ये देखें 2000 वाट्स 0.75 एम्पीयर पे ये चलता है, और जो जो चीज़ें इसमें हैं टोटल चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम आपको इसको फिट करा के भी चेक कराएंगे कि किस तरीके से ये फ़िट होता है, और उसके बाद किस तरीके से ये लगने के बाद इसका लुक नज़र आता है, और किस चीज़ से ये फ़िट होता है। टोटल चीज़ें हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे, तो देखते रहें। ये 60 लीटर वाला गीज़र हम आपको फ़िट करा के चेक कराएँगे। तो ये हमने फ़िट कर लिया है। तो अगर टोटल चीज़ें हम ऐसी वीडियो में दिखाते तो ये वीडियो तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा बन जाती। तो जितना हो सके हमने कम वीडियो में सब चीज़ें दिखाने की कोशिश की आप लोगों को। तो ये रावल बोर्ड पे हैंग होता है, 4 रावल बोर्ड इसमें लगाए जाते हैं, तो हमने 4 रावल बोर्ड हमने लगा दिए हैं ड्रिल मशीन की मदद से। और उसके बाद हमने इसके कनेक्शन भी लगा दिए हैं। ये 60 लीटर वही है कैनन का, जो हमने आपको बताया था अनबॉक्स करके ये है कि डिस्प्ले में लगाए हुए हैं हमारी शॉप पे, तो वही हमने आपको चेक कराया फिट करा के। तो ये इसकी फिटिंग है। ये इनलेट का पाइप दिया हुआ है, यहाँ से पानी, ठंडा पानी इन होगा। ये सेफ्टी वॉल भी लगाया हुआ है सेफ्टी के लिए, ताकि पानी रिटर्न वगैरह ना हो। यहाँ से हम कनेक्शन लगाएंगे डायरेक्ट इनलेट में, और यहाँ से हम कनेक्शन लगाएंगे गर्म की लाइन आउट लाइन में यहाँ से। और ये बिजली का कनेक्शन है, यहाँ पे हम तार ले जाएंगे डायरेक्ट सॉकेट के पास, बिजली बोर्ड में देंगे। तार हमने दे दिए, और इसके बाद भी हम आपको ये सॉकेट है हमने बोर्ड तक पहुँचा दिया है बिजली का, इसी में कनेक्ट कर देंगे हम। और उसके बाद हम आपको रेगुलेटर टेम्परेचर इसका चेक कराते हैं। ये देखें, ये रेगुलेटर जहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर सेट हो जाएगा, इसका उतना ही टेम्परेचर पर ये चला जाएगा। और इसको हम ऑन करा के भी हम आपको चेक कराएंगे, और फिटिंग कंप्लीट करके टोटल चीज़ें आपको बताते हैं।
वो तो हमारी एक लाइन PPR की है, एक लाइन हमारी गर्म की लाइन है, वो इसलिए जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से हमने इसको सेट किया है। और हमने PPR की लाइन इसलिए डाली है क्योंकि अंडरग्राउंड उसकी कंसील लाइन टोटल PPR की थी, और ये हमने फिट कर लिया है। इसको लाइनें वगैरह टोटल लगा के ओके कर दिया है और इसको ऑन भी कर दिया है हमने। ये पावर ऑन हो गया है और इसमें ये अपना काम करना इसने शुरू कर दिया है। 60 लीटर पानी को इसने गर्म करना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें दो लाइटें दी हुई है, पावर और हीटिंग की। जैसे गर्म होने के बाद ये जो है रेड लाइट बंद हो जाएगी और ग्रीन लाइट ही जलेगी क्योंकि खाली ऑन रहेगा, और इसका थर्मोस्टेट ट्रिप हो जाएगा क्योंकि पानी गर्म होने के बाद ये ट्रिप हो जाता है। तो बिल्कुल कनेक्शन टोटल ओके हो चुके हैं और इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है पानी गर्म करने का। और ये हमने तार सॉकेट में दे दी, ऑन कर दिया है सॉकेट, पावर प्लग ऑन कर दिया है इसका। अब इस गीज़र की प्राइस की बात करते हैं, ये तो ये आपको पड़ेगा 29,000 रुपये का, तो ये आज के डेट की प्राइस है। और बाद में अगर आप वीडियो देख रहे हैं 2 महीने के बाद तो एक अलग बात है, लेकिन ये आज के डेट की मैं आपको बता रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।